हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल शुभम लेक्चरर। स्टूडेंट, ये वीडियो क्लास 12 केमिस्ट्री का एक मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो है। इस वीडियो में मैं आपको क्लास 12 केमिस्ट्री के उन सभी महत्वपूर्ण लघु उत्तरीय प्रश्नों को बताऊंगा जो कि इस बार आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। स्टूडेंट, अगर आप 12th में हैं और आपको 11 अप्रैल को 12th केमिस्ट्री का पेपर देना है तो इस वीडियो को आपको शुरू से लेकर लास्ट तक देखना है, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको पूरे केमिस्ट्री के ऐसे महत्वपूर्ण लघु उत्तरीय प्रश्नों को बताऊंगा जो कि इस बार आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। 99% चांस है कि इसी में से क्वेश्चंस आपके बोर्ड एग्जाम में आएंगे। तो देखिए, इस वीडियो में मैं आपको 12th केमिस्ट्री के जितने भी चैप्टर हैं, चैप्टर 1 से चैप्टर 13 तक सभी लघु उत्तरीय प्रश्नों को लेकर आया हूं जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सब कुछ आप लोग देख सकते हैं, तो इस वीडियो को आप लोग ज्यादा से ज्यादा लाइक करें। अगर आप लोग चाहते हैं कि 12th केमिस्ट्री का मैं एक महामैराथन क्लास लेकर आऊं 2 घंटे का, जिसमें आपका बहुविकल्पीय, लघु उत्तरीय और लघु उत्तरीय सभी को आंसर के साथ एक ही वीडियो में पढ़ाऊं, तो आप लोग इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। देखिए स्टूडेंट, यहां पर कौन-कौन से चैप्टर होंगे, फुल चैप्टर्स, चैप्टर 1 से 13 तक। पहला चैप्टर है ठोस अवस्था, दूसरा है विलयन, तीसरा है वैद्युत रसायन, चौथा है रासायनिक बलगतिकी, पांचवा है पृष्ठ रसायन, छठवां है पी ब्लॉक के तत्व, सातवां है डी ब्लॉक एवं एफ ब्लॉक के तत्व, आठवां है उपसा संयोजन यौगिक, नौवां चैप्टर है हाइलोएल्केन तथा हाइलोएरीन, दसवां है अल्कोहल, फिनॉल एवं ईथर, ग्यारहवां है एल्डिहाइड, कीटोन एवं कार्बोक्सिलिक अम्ल, 12 नंबर है एमीन, 13 नंबर है जैव अणु। ठीक है, अब इन सभी चैप्टर के ऐसे लघु उत्तरीय प्रश्न जो कि आपके इस बार बोर्ड एग्जाम में आएंगे उनको मैं बताऊंगा। ठीक है, तो एक एक चैप्टर का हम देखेंगे। सबसे पहले हम अपने फर्स्ट चैप्टर ठोस अवस्था के क्वेश्चंस को पढ़ेंगे। देखिए स्टूडेंट, पहला चैप्टर जो है ठोस अवस्था, इसका सबसे इंपॉर्टेंट लघु उत्तरीय प्रश्न है वो है कि फ्रेंकल दोष एवं सात्की दोष क्या है, उदाहरण सहित समझाइए। यानी कि व्हाट इज फ्रेंकल डिफेक्ट एंड सात्की डिफेक्ट, आपको उदाहरण सहित समझाना है। ठीक है, मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं जो ठोसों में दोष पाए जाते हैं उनके बारे में मैं आपको बता चुका हूं कि कितने प्रकार के दोष होते हैं। ठीक है, तो उसी में फ्रेंकल एवं सात्की दोष है। अगर आप लोग चाहते हैं कि इसका मैं आंसर जानूं तो इसके लिए मैं वीडियो ऑलरेडी बना चुका हूं, आप लोग सर्च करेंगे फ्रेंकल दोष शुभम लेक्चरर, सात्की दोष शुभम लेक्चरर, आपको वीडियो सब कुछ मिल जाएगा। तो कुछ भी आपको ढूंढने की जरूरत नहीं है, सब कुछ मेरे चैनल पर आपको स्टडी मटेरियल मिल जाएगा। लेकिन इस वीडियो को बनाने का मकसद है कि आप ज्यादा से ज्यादा लघु उत्तरीय प्रश्नों को पढ़ सके, और जो 28 नंबर का आपका लघु उत्तरीय प्रश्न आता है उन 28 नंबर में से 28 नंबर आपको मिले। ठीक है, 70 में 28 नंबर का आता है। दूसरा देखिए हमारा है विलयन चैप्टर का। देखिए 72 ग्राम जल और 92 ग्राम एथिल अल्कोहल के मिश्रण में दोनों का मोल प्रभाज ज्ञात कीजिए। देखिए ये आपकी केमिस्ट्री है, इसमें दो चैप्टर ऐसे हैं जिससे न्यूमेरिकल ज्यादातर आते हैं। एक दूसरा चैप्टर आपका विलयन है जिसका क्वेश्चन मैंने आपको बताया, एक चौथा चैप्टर आपका है रासायनिक बलगतिकी। ये दोनों चैप्टर ऐसे चैप्टर हैं जिनसे न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं आपके 12th केमिस्ट्री के पेपर में। तो इन दोनों चैप्टर के जितने भी न्यूमेरिकल है वो आपको पढ़ लेना है। देखिए यहां पर तो मोल प्रभाज का मैंने एक न्यूमेरिकल लिया है, लेकिन आपसे मोलरता, मोललता, मोल प्रभाज सब कुछ पूछा जा सकता है। ठीक है, तो 72 ग्राम जल और 92 ग्राम एथिल अल्कोहल के मिश्रण में दोनों का मोल प्रभाज ज्ञात कीजिए। ऑलरेडी मैं इस न्यूमेरिकल को सॉल्व करवा चुका हूं, आप लोग सर्च कीजिए 12th केमिस्ट्री इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल शुभम लेक्चरर, आपको वीडियो मिल जाएगा। बहुत सारे न्यूमेरिकल मैंने सॉल्व करा है, उसी में ये भी है। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन हमारे तीसरे चैप्टर से है। देखिए क्या है, टिप्पणी लिखिए मानक इलेक्ट्रोड, यानी कि आपको मानक इलेक्ट्रोड पर टिप्पणी करना है कि मानक इलेक्ट्रोड क्या होता है। ठीक है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी आपको पढ़कर जाना है, कई बार आपके बोर्ड एग्जाम में आ चुका है। चौथा लघु उत्तरीय देखिए, मानक इलेक्ट्रोड विभव क्या है, इलेक्ट्रोड विभव ई और मानक इलेक्ट्रोड विभव ई नॉट में संबंध लिखिए। यानी कि मानक इलेक्ट्रोड विभव क्या होता है, आपको इलेक्ट्रोड विभव ई और मानक इलेक्ट्रोड विभव ई नॉट में संबंध बताना है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, इन सभी क्वेश्चन को आपको पढ़कर जाना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन भी हमारा तीसरे चैप्टर से है। देखिए प्रबल तथा दुर्बल विद्युत अपघट्यों को उदाहरण द्वारा समझाइए, यानी कि प्रबल विद्युत अपघट क्या होता है, दुर्बल विद्युत अपघट क्या होता है, इसको आपको उदाहरण द्वारा समझाना, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इन सबका आंसर मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं। ठीक है, सिक्स नंबर देखिए, वैद्युत रासायनिक श्रेणी किसे कहते हैं, इसके प्रमुख लक्षण तथा दो प्रमुख उपयोग लिखिए। व्हाट इज इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, वैद्युत रासायनिक श्रेणी क्या है, इसके प्रमुख लक्षण तथा दो प्रमुख उपयोग आपको लिखने हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको पढ़कर जाना। ये वाला क्वेश्चन वीवीआई है, यानी कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको आपको छोड़ना बिल्कुल नहीं है। अगर आपने इसको नहीं पढ़ा तो आपने तीसरे चैप्टर में कुछ भी नहीं पढ़ा। ठीक है, तो इसको जरूर पढ़िएगा। चलिए सेवन नंबर क्वेश्चन देखते हैं।
तो देखिए सेवन नंबर क्वेश्चन हमारे फोर्थ चैप्टर से है, रासायनिक बलगतिकी से, केमिकल काइनेटिक्स से। तो मैंने आपको बताया कि दो चैप्टर ऐसे हैं जिनसे न्यूमेरिकल ज्यादातर आते हैं, एक दूसरा चैप्टर विलयन और चौथा चैप्टर रासायनिक बलगतिकी। तो इस चैप्टर से भी एक न्यूमेरिकल मैंने लिया है, वो आपको पढ़कर जाना। देखिए प्रथम कोट की एक अभिक्रिया में यदि कोई पदार्थ अपनी प्रारंभिक मात्रा का 100 मिनट में आधा रह जाता है तो बताइए कि कितने समय में यह अपनी प्रारंभिक मात्रा का 1/4 रह जाएगा। देखिए स्टूडेंट अभी कल ही मैंने ये न्यूमेरिकल लगाया है लघुत्तरीय प्रश्नों में, तो आप लोग जो वीडियो मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूं उसको पढ़ लेना है। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, एक दो वीडियो देख लेते हैं, जो मैं पढ़ाता हूं उसको ध्यान से नहीं पढ़ते हैं और बाद में कहते हैं सर मेरा पेपर में ये क्वेश्चन नहीं आया। देखिए आपके यूपी में कई सेट हैं, ठीक है, यानी कि अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में लगभग अलग अलग पेपर्स होते हैं। तो किसी के डिस्ट्रिक्ट में आया वो बच्चा कह रहा है मेरे यहाँ के पेपर में आया है ये क्वेश्चन, किसी बच्चे के पेपर में नहीं आया। तो ऐसा आपको नहीं करना है, आपको सिलेबस पढ़ना है, जो कुछ मैं बता रहा हूँ उसको पढ़ना है, क्योंकि ऐसा भी हो सकता है कि इनमें से क्वेश्चन ना आए, एक दो ही आए, तीन ही आए, कोई जरूरी नहीं है कि सेम यही क्वेश्चन आएगा। ठीक है, आपके सेट में, सेट अलग अलग होता है, सबके सेट में अलग अलग क्वेश्चन आते हैं लगभग। ठीक है, तो आपको पढ़ना है सिर्फ ध्यान से, कुछ भी आएगा आप लिख लेंगे। आठवां देखिए आभासी एकाणुक अभिक्रिया को उदाहरण द्वारा समझाइए, यानी कि आभासी एकाणुक अभिक्रिया क्या होती है। ठीक है, यानी कि वह अभिक्रिया जिसकी आणविकता एक हो, ठीक है, और जिसकी कोटि एक हो लेकिन आणविकता एक ना हो, ठीक है, वो आभासी एकाणुक अभिक्रिया कहलाती है। ठीक है, मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं, सबका आंसर भी मैं दे चुका हूं, अगर आप नहीं पढ़ते तो इसमें आपकी गलती है। आप लोग पढ़िए, लघुत्तरीय प्रश्नों का मैं आंसर प्रोवाइड करवा चुका हूं, कल मैंने वीडियो बनाया है। ये क्वेश्चन जो न्यूमेरिकल है इसको भी मैं प्रोवाइड करवा चुका हूं, अभिक्रिया की कोटि और आणविकता को भी मैं समझा चुका हूं। जो यहां पर 3-4 क्वेश्चन दिए गए हैं इनका आंसर मैं जल्द अभी लेकर आया था, अगले दिन का वीडियो है उसको आप जाकर देखिए, सभी का आंसर मिल जाएगा। ठीक है, नौवां है अभिक्रिया की कोटि और आणविकता को समझाइए, हो गया। दसवां देखिए पृष्ठ रसायन चैप्टर का क्वेश्चन है, द्रव स्नेही और द्रव विरोधी कोलाइड किसे कहते हैं, प्रत्येक को एक एक उदाहरण सहित समझाइए, यानी कि द्रव स्नेही कोलाइड क्या होते हैं और द्रव विरोधी कोलाइड क्या होते हैं, इनको आपको उदाहरण के द्वारा समझाना। ये भी मैं आपको बता चुका हूं, सबका आंसर मैं बता चुका हूं, जाकर आप पढ़ सकते हैं। 11 नंबर देखिए भौतिक अधिशोषण एवं रासायनिक अधिशोषण में क्या अंतर है, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन फिजिकल एब्जॉर्प्शन एंड केमिकल एब्जॉर्प्शन, ये सब मैं आपको कल बता चुका हूं, कल की वीडियो में मैंने ये सब क्वेश्चन आपको बताया था जो यहां से है, 7वां 8वां 9वां 10वां 11वां। तो जाइए पढ़िए, देरी मत कीजिए क्योंकि आपके पास समय ज्यादा नहीं है। 12 नंबर देखिए हार्डी सुलजे नियम पर संक्षिप्त टिप्पणी कीजिए, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन वीवीआई, आप पढ़कर जाइएगा इसको। ठीक है, 13 नंबर देखिए पी ब्लॉक के तत्व चैप्टर का है, सल्फ्यूरिक अम्ल एक आक्सीकारक एवं निर्जली कारक है, इसके एक एक उदाहरण दीजिए, यानी कि H2SO4 जो सल्फ्यूरिक अम्ल है ये एक आक्सीकारक भी है और एक निर्जली कारक भी है, इसका आपको एक एक उदाहरण देना है। ठीक है, 14 नंबर भी इंपॉर्टेंट है, सल्फर डाइऑक्साइड के निर्माण की प्रयोगशाला विधि का वर्णन कीजिए, इसके आक्सीकारक और अपचायक गुण देते हुए उपयोग भी दीजिए, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, पढ़कर दाइएगा। जो आपका सल्फर डाइऑक्साइड है SO2, इसकी आपको प्रयोगशाला विधि बनानी है। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया। चलिए अपना 15 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, देखिए 15 नंबर क्वेश्चन हमारा है डी एवं एफ ब्लॉक के तत्व, देखिए संक्रमण तत्व क्या है, इनकी विशेषताएं लिखिए, व्हाट इज द ट्रांजिशन एलिमेंट, ये आपको बताना है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 16 नंबर देखिए हमारे लास्ट चैप्टर, फर्स्ट फिजिक्स के लास्ट चैप्टर, उपसह संयोजन यौगिक से है, देखिए एक दंतुर द्विदंतुर तथा उभय दंतुर लिगेंड से क्या तात्पर्य है, प्रत्येक के दो उदाहरण दीजिए, यानी कि लिगेंड क्या होते हैं ये आपको पढ़ लेना है, एक दंतुर द्विदंतुर एवं उभय दंतुर लिगेंड क्या होते हैं ये भी आपको पढ़ना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, वीवीआई पढ़ के जाइएगा। देखिए अब हम आते हैं अपने सेकेंड केमिस्ट्री पे, जो हमारा हाइड्रोएल्केन तथा हाइड्रोएरीन चैप्टर है, उसके क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए निम्नलिखित पर टिप्पणी लिखिए, जैसे आपका राइमर टीमन अभिक्रिया, कार्बिलेमिन अभिक्रिया, वुड्स फिटिंग अभिक्रिया, और भी बहुत सारी अभिक्रियाएं हैं, वुड्स अभिक्रिया, ठीक है, तो सबको आपको पढ़कर जाना है। इस प्रकार से भी क्वेश्चन आ सकता है कि निम्नलिखित पर टिप्पणी कीजिए, तीन रिएक्शन दे दिया गया आपको, इसको लिखना है, तो ये सब पढ़े रहेंगे तभी आप लिख पाएंगे। ठीक है, 18 नंबर देखिए ल्यूकास परीक्षण क्या है, यह किस प्रकार के यौगिकों की पहचान में उपयोगी है, तो व्हाट इज ल्यूकास टेस्ट, मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं कि इससे हम प्राथमिक द्वितीयक एवं तृतीयक अल्कोहल में विभेद करते हैं, उनमें अंतर बताते हैं। ठीक है, तो ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वीवीआई, तो पढ़कर जाइएगा। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। 19 नंबर देखिए हमारे नेक्स्ट चैप्टर से है एमीन से, निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए, जो है आपकी परकिन अभिक्रिया एवं बेंजोइन संघनन, इन दोनों पर टिप्पणी लिखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको भी आपको पढ़कर जाना है, डोंट मिस दिस क्वेश्चन, जो मैं बता रहा हूं उसको आपको मिस नहीं करना है। ठीक है, 20 नंबर क्वेश्चन हमारा लास्ट चैप्टर जैव अणु का है, देखिए
न्यूक्लिक अम्ल क्या होते हैं, इनके दो महत्वपूर्ण कार्य लिखिए। व्हाट इज न्यूक्लिक एसिड, मैंने आपको बताया न्यूक्लिक अम्ल जो होते हैं इनमें डीएनए आरएनए आते हैं, तो आपको डीएनए आरएनए के बारे में डीपली पढ़ना है जैव अणु में, न्यूक्लिक अम्ल क्या होते हैं इसको पढ़ना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, जो आपके प्रोटीन्स हैं विटामिन्स हैं इनके बारे में पढ़ना है, तो आपको पढ़कर जाना, ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये वाला, ठीक है, पढ़कर जाइएगा। ये जो लास्ट में मैं क्वेश्चन बता रहा हूँ इसको मैं कह नहीं सकता कि ये कितना इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए डीएनए तथा आरएनए के महत्वपूर्ण संरचनात्मक एवं क्रियात्मक अंतर लिखिए, यानी कि डीएनए और आरएनए में आपको अंतर बताना है। व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन डीएनए एंड आरएनए, स्ट्रक्चरल जो आपका स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल डिफरेंस आपको बताना है, संरचनात्मक एवं क्रियात्मक अंतर, ठीक है। तो ये आपको जितने भी क्वेश्चन यहाँ पर 21 क्वेश्चन मैंने टोटल बताए हैं, क्या आप इन 21 क्वेश्चन को नहीं पढ़ सकते? अगर आप नहीं पढ़ सकते तो लघु उत्तरीय प्रश्नों में आप 28 में 28 कभी नहीं सोचिएगा, इन क्वेश्चन को आपको पढ़कर जाना है। मैं गारंटी नहीं लेता हूं कि यही क्वेश्चन आएंगे, लेकिन हाँ इनमें से क्वेश्चन आ सकते हैं ये मैं कह सकता हूं, ठीक है। तो आई होप कि आपको ये 21 क्वेश्चन समझ में आ चुके होंगे कि कौन कौन से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं। अब आप लोग कमेंट करके बताइए कि इन 21 क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन आपको ऑलरेडी पता थे और कितने क्वेश्चन आपको पढ़ने हैं, ठीक है। तो कैसा लगा आपको वीडियो, हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक आप लोग अपनी तैयारी करते रहें।